between the persons, so person kam se kam do ya maximum beings, who have agreed, so agreement hona bahut zaruri hai yahan par, agreement hona yahan par bahut zaruri hai, agar agreement nahi hai तो फिर पार्टनरशिप कैसे चलेगी? आप समझदार लोगों बच्चों, जब दो लोगों की शादी भी होती है तो भी हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर अपना पैसा लगाएंगे और उस पैसे से प्रॉफिट कमाएंगे तो साल के एंड में उस प्रॉफिट को बांटना कैसे है, बिजनेस का काम चलाना कैसे है, जब तक इस चीज के बारे में एग्रीमेंट नहीं होगा तो कैसे होगा? हाँ, दिस इज ओके, इट मे बी रिटन, इट मे बी ओरल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ओरल बना लो अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो। पर कहा यह जाता है कि बेटर इट इज टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होगा तो ज्यादा अच्छा होगा, पेपर पे लिखा रहता है, कुछ भूल भी जाए तो पेपर में एक दूसरे को दिखाया जा सकता है। ओरल एग्रीमेंट चलता है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चलेगा, बट एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा, ऑफिस कहां होगा, कितने पार्टनर्स रखेंगे, कितना कैपिटल लाएंगे, ये सारी चीजें एग्रीमेंट में ही लिखी जाती है, तो एग्रीमेंट के बिना कभी कोई पार्टनरशिप होती ही नहीं। सो ये नंबर टू पॉइंट हुआ आपका, एग्रीमेंट होना जरूरी है।